वो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं मूनी गेमर्स। और हाँ यार, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने भी स्टार्ट कर लिया अपनी खुद की माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज। तो यार बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने अपना नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है और इस वर्ल्ड का नाम मैं देने वाला हूँ MG वर्ल्ड, क्योंकि यार एम से मूनी एंड जी से गेमर्स। तो क्या हुआ, तो फटाफट से क्रिएट वर्ल्ड कर लेते हैं और मैं आपको सीधा अपना वर्ल्ड का स्पॉन दिखाता हूँ। यार स्पॉन तो काफी बढ़िया दिख रहा है, मतलब विलेज में स्पॉन कर दिया सीधा, और यार देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। सामने ब्लैक स्मिथ का हाउस है, तो चलो यार विलेज को लूट लिया जाए सबसे पहले। और यार सामने आयरन गोलम भी देख सकते हैं, और ये क्या, इसने फोन कर दिया मुझे, रख तू ही अपना फूल, इसके विलेज में ही लगा देते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने पहले ब्लैकस्मिथ के घर को लूटने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा था, पहले ब्लैकस्मिथ से पूछ लेते हैं कि यार इसके घर में क्या क्या है। हाँ भाई बोल ब्लैकस्मिथ, तूने कोई बढ़िया चीज रखी है कि नहीं। चला जा बहुत। चलो छोड़ यार, हम खुद ही जाके चेक कर लेते हैं क्या है। जो भी होगा हमारा ही है, इससे पूछने वाली क्या बात है। और ये मतलब डायमंड और पांच पांच ऑब्सीडियन, छह छह डायमंड और एक आयरन की चेस्ट प्लेट, मतलब यार क्या ही बढ़िया ब्लैकस्मिथ था। और इसे हमने फालतू में ही मार दिया। तो फटाफट से ये सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं और आगे के विलेजर्स को भी लूट लेते हैं। और हाँ गाइस यार, ये चेस्ट भी उठा लेते हैं, आगे काम आए। तो अगले घर में से मुझे मिला ये क्या, कबाड़ा मिल गया, चलो छोड़ो। उसके बाद मुझे कुछ खाने का सामान मिल गया और साथ में मुझे एक एमरेड मिल गया था। और ये विलेजर का बच्चा पता नहीं क्या मुझे देख रहा था, ये शायद ब्लैकस्मिथ का बच्चा है, उसी के घर में गया। तो यार मैंने काफी सारे विलेजर्स के घर देखे, पर मेरे को ये वाला पसंद आया जिसमें दो फ्लोर्स हैं। आप ऊपर से भी देख लीजिए, मैं थोड़ा इसे बाद में सेट कर दूंगा। और यार आगे चलते ही आप देखो मुझे यार क्या मिला, मतलब रूइन पोर्टल मिल चुका है, वो भी विलेज में, यही वाले विलेज में था, कोई दूसरे विलेज में नहीं है। मतलब यार लॉटरी लग गई, क्या ही किस्मत है। पहले पहला स्पॉन ही ब्लैकस्मिथ के घर के पास हो गया और दूसरा ये रूइन पोर्टल। तो ये विलेजर क्या कर रहा है, चलो छोड़ो यार चलते हैं आगे एंड फटाफट से इसकी चेस्ट चेक कर लेते हैं। तो इसकी चेस्ट में यार मुझे काफी अच्छा सामान मिल गया था, 6 गोल्डन कैरेट, 2 फ्लिंट एंड स्टील, 1 क्लॉक, 1 हेलमेट, 1 हो एंड 1 चेस्ट प्लेट। मतलब यार काफी अच्छा सामान मिल गया। उसके बाद एक पेड़ काट के कैक्स बना के उसके बाद काफी सारे मैंने स्टोन्स माइन कर लिए। उसके बाद यार मैंने अपना जो बेडरूम था उसे पूरी तरह से सजा दिया एंड ऊपर की फ्लोर को भी पूरा फिल कर दी। उसके बाद मैंने अपने लिए काफी सारे आयरन की पिकैक्स एंड एक्स बना के अपना फूड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यार यहाँ पे गलती से मेरे को आयरन गोलम को हिट हो गया और यार उसने सीधा मार ही दिया, मतलब कुछ भी यार। फिर उसके बाद मैंने उसे मारा और आयरन कलेक्ट कर लिया। तो इसे मारने के बाद मुझे 4 आयरन मिले थे। उसके बाद मैंने खाना कलेक्ट करना वापस से चालू किया और कुछ कोल भी माइन कर लिया ताकि मैं स्मेल्ट कर सकूं, मतलब काफी सारा। और उसके बाद काफी सारा खाना पकने के लिए रख दिया एंड काफी सारी टॉर्चेस भी बना ली। एंड उसके बाद मैं कुछ सामान कलेक्ट करके चला गया आयरन को माइन करने। और आयरन मतलब यार काफी आराम से मुझे मिल गया था स्टार्टिंग में ही। एंड मैंने पहले तो मुझे सिर्फ 2 ही आयरन मिले थे, बट उसके बाद यार काफी सारे आयरन मिलने लग गए एंड ज़ॉम्बीज और स्केलेटन भी। काफी मुश्किल से उनसे बचने और के बाद मैंने काफी सारा आयरन माइन कर लिया एंड ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक ऑफ आयरन माइन करके मैं अपने घर जा ही रहा था कि क्या हुआ, आप देख लो यार, मतलब यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन में को एकदम ही पीछे पड़ गए और मैं पता नहीं कैसे यहाँ पे क्लच करके भाग के अपने घर आ गया यार, सो गया, मतलब 1.5 हार्ट पे बचा था यार, क्या ही बताऊं। उसके बाद मैं फटाफट से अपने घर में आके सो गया एंड काफी सारा आयरन जो था वो स्मेल्टिंग पे लगा दिया। एंड जब वो स्मेल्ट हो गया तो उसे कलेक्ट करने के बाद सीधा बनाना शुरू कर दिया अपना आयरन का आर्मर। तो ये रहा हेलमेट, बूट, चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स। एंड इसी के साथ मेरा आयरन का पूरा आर्मर कंप्लीट हो चुका था। And yes, मैं बन चुका था एक
आयरन मैन एंड बाकी के टूल्स भी मेरे को बनाने थे एंड काफी सारा आयरन पड़ा भी हुआ था और कुछ स्मेल्टिंग पे भी था, तो फटाफट से मैंने अपने सारे टूल्स आयरन में कन्वर्ट कर लिया और शील्ड भी बना ली। उसके बाद यार काफी बढ़िया लग रहा था ये प्रोटेक्शन के बाद, एंड आयरन की पिकैक्स बना ली थी, तो यहाँ से गोल्ड ब्लॉक माइन करके काफी सारी बकेट्स बना के यहाँ से सारा लावा कलेक्ट कर लिया। एंड यार मेरे घर के पास एक बड़ा सा समुद्र था, तो मैं यहीं पर अपना बेस सेटअप करूंगा ये सोच के मैं फटाफट से अपने लिए डर्ट काफी सारी माइन करने चला गया ताकि मैं अपना प्लेटफॉर्म एक डर्ट से बना सकूं। एंड यार ऑलमोस्ट 5 दिन रियल लाइफ के लगा कर इतने सारी डर्ट माइन की कि यार आप देख सकते हैं इतने सारी चेस्ट भर चुके हैं। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो मैं आपको एक बार अपना घर दिखा देता हूँ कि यार कैसा लग रहा है, वो देख सकते हैं आप पूरा का पूरा चेस्ट से भर चुका है एंड इन सब में डर्ट एंड कॉबल स्टोन है। एंड अंदर जो मेरी चेस्ट थी उसमें भी काफी सारा आयरन एंड कोल पड़ा हुआ है एंड ये वो सारा एरिया है जो कि मैंने क्लीन किया है। इसके बाद यार मेरे को समुद्र में ये ड्राउंस मिल गए थे जिनके हाथ में ये शेल से थे, तो मैंने इन्हें मार कर एक शेल ले लिया एंड काफियों को मार कर मतलब ट्राइडेंट लेने की कोशिश की बट यार मिल नहीं रहे थे, कॉपर इंगट सब कुछ मिल रहा था बट शेल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उन्हें फंसाने की कोशिश की ताकि वो मेरे को ट्राइडेंट दे सकें। एंड यार पहले वाले ने ही मेरे को ट्राइडेंट दे दिया था बट यार अनफॉर्चुनेटली इसके पास मेरा सारा आयरन का आर्मर था जो कि उसने वापस भी कर दिया था। एंड फटाफट से मैं चला गया डुबकी मार के अपना पहला ट्राइडेंट कलेक्ट करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को अपना पहला ट्राइडेंट मिल चुका था एंड उसके बाद दूसरे को भी ट्रैप किया एंड काफियों को मतलब ट्रैप कर करके किया बट यार बहुत ही कम दे रहे थे। मैंने आपको जो वीडियो में शो किए हैं वो सिर्फ 2-4 ही हैं जिन्होंने मेरे को ट्राइडेंट दिया, बाकी जो मैंने मारे वो मैंने वीडियो में शो नहीं किए वरना यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। एंड यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे ट्राइडेंट मिल चुके थे, ऑलमोस्ट मेरे को 3 से 4 ट्राइडेंट मिल चुके हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारों को मारा और कई ने मेरे को हाफ हेल्थ वाले भी ट्राइडेंट दिए। एंड ये ड्राउन को मारते मारते मैं काफ़ी दूर आ चुका था एंड ये यहाँ पे मेरे को एक और विलेज दिख चुका था जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा था एंड मैंने सीधा इनके विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया ताकि जो आयरन गोलम है वो मेरे पीछे पड़ जाए बट यार उसे तो कुछ था ही नहीं। बट जब इस वाले विलेजर को मारा वो मेरे पीछे ही पड़ चुका था एंड मैं हवा में भी था फिर भी उसने उड़ा दिया, मतलब यार कैसे। फिर उसके बाद अच्छे से मैंने उस बदला लिया एंड फटाफट से विलेजर को लूटने चला गया। और यहाँ पे मेरे को एक स्मिथिंग टेबल मिल चुका था जिसे मैं फटाफट से कलेक्ट करके यहाँ पे अब काफी सारी चेस्ट को लूट लिया। एंड यार मेरे को आगे एक विलेजर आउटपोस्ट दिख चुका था जिसे लूटने के लिए मैं सीधा अंदर टपक पड़ा और यहाँ पे मतलब जो मेरी धुलाई हुई है ना वो मत पूछो, मतलब फिर भी मैं काफी मुश्किल से अंदर आके इनके बैनर सब कुछ कलेक्ट कर लिए और यहाँ से काफी सारी वूल भी कलेक्ट कर ली। और यार ये बंदा मेरे को मार रहा था तो मैंने इसे मार दिया फटाफट से एंड जब मारा तो पता चला ये विलेजर कैप्टन था एंड यहाँ पे 7 वाले विलेज में ही रेड शुरू हो गई। और फिर उसके बाद मैंने इसकी ऊपर वाली चेस्ट में सारा सामान ट्रांसफर करके फटाफट से रेड की तैयारी। और पहली रेड में तो इतना कुछ था नहीं, एक दो बार मर के मैंने फटाफट से पहली रेड को खत्म कर दी क्योंकि यार ये क्रॉसबॉ वाले ना शील्ड के सामने कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से मैंने इन्हें मार कर अपनी पहली जो रेड थी वो खत्म कर दी। यहाँ पे दूसरी रेड शुरू हो चुकी थी जिसमें फिर से ये क्रॉसबो वाले आ गए एंड मैंने फटाफट से इन्हें मार दिया और मुझे एक बुक में मिल चुकी थी लॉयल्टी 3 वाली, तो फटाफट से मैंने इन्हें मारना चालू किया। एंड यार यस उसके बाद कोई इतना खास आया नहीं, एक ये विंडिकेटर आया था जिसे भी मैंने आसानी से मार दिया। और उसके बाद यार रेवेजर आ चुका था जिसे मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने ट्रिक लगाई मैं घर के अंदर जाके इसे आराम से मारने लगा एंड ये आराम से मर भी रहा था। एंड उसके बाद विचेस भी आ चुकी थी जिन्हें भी मैंने दूर से क्रॉसबो से भी मारना शुरू कर दिया एंड जो भी बचता था थोड़ा आगे जाके मारना शुरू कर दिया। एंड
बढ़िया, इस विच को मारते समय मेरे को मिल चुका था पॉइजन का इफेक्ट, जो कि यार काफी खतरनाक लग रहा था। मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट पे लाके छोड़ा एंड सीधा ही अंदर आ चुका था विंडिकेटर, जिसे मैंने आराम से मार दिया। एंड रेवेजर को भी मार के मैंने काफी सारे विलेजर्स को मार दिया। एंड यस गाइस, एट लास्ट इवोकर भी आ चुका था, आप देख ही पा रहे होंगे सामने इवोकर था। एंड उसके बाद एक मॉब को मारने के बाद, रेवेजर को मारने के बाद, मैं सीधा चला गया इवोकर को मारने के लिए और फटाफट से उसे पहले तो क्रॉसबो से मारा, काफी सारा डैमेज दिया। एंड उसके बाद एक हिट में ये आराम से मर गया। एंड यस गाइस, सिर्फ एक ही इवोकर स्पॉन हुआ था एंड उसे मारने के बाद हमारी विक्ट्री हो। एंड उसके बाद रास्ते में मुझे अलग अलग तरह के पेड़ मिले जिसके मैंने सैपलिंग्स कलेक्ट की। एंड रास्ते में मेरे को एक रूइन पोर्टल मिल चुका था जिसमें से सारी चेस्ट को लूट लिया एंड गोल्ड ब्लॉक्स को लेकर ये कुछ चेरीज कलेक्ट करके मैं अगले विलेज में लूटने के लिए आ गया। एंड यार इसके बाद मैं सीधा अपना जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब काफी ज्यादा ही कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने वाला था जिस हिसाब से मैंने सोचा था। एंड यार आप छोटा सा टाइम लैप्स, आप फटाफट से इस टाइम लैप्स को देख लीजिए। काफी दिनों से मैं सोया नहीं था तो यार ये फैल्कन्स ने भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया। यार उसके बाद मैंने अपना प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया एंड वेट कर रहा था ग्रास का स्प्रेड होने का। एंड इसके लिए मैंने लिटरली 2 दिन AFK किया था अपने प्लेटफॉर्म पे। ये आप छोटा सा टाइम लैप्स आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैंने सोचा था एक कैसल बनाने का जिसके लिए मेरे को काफी सारी वुड्स एंड काफी सारे टाइप्स ऑफ वुड चाहिए थे, तो मैं फटाफट से लग गया अपनी वुड्स एंड सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। एंड यस गाइस, मुझे काफी सारा ब्लैकस्टोन भी चाहिए था तो मैं ब्लैकस्टोन वाले केव में आके ब्लैकस्टोन माइन करना शुरू कर दिया। एंड मैं माइन कर ही रहा था, मैंने सोचा कि यार स्ट्रिप माइनिंग ही क्यों ना की जाए। एंड मैं सीधा चला गया स्ट्रिप माइनिंग करने। एंड काफी देर स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मतलब मेरे को सीधा क्या मिल चुका था आप इमेजिन नहीं करेंगे, डायमंड। मतलब डायमंड मिल चुका था वो भी कुछ ही देर में। तो फिर यार सारा मैंने क्लियर किया और मैं देखना चाहता था कि यार मेरे को यहाँ से कितने डायमंड मिल चुके हैं। एंड मैं क्लियर जब कर रहा था मेरे को क्या दिखा, यहाँ पे गोल्ड भी थे, गोल्ड के ऑर्ड्स भी थे। तो मैंने यार फटाफट से क्लियर किया एंड गोल्ड के ऑर्ड्स तो वो तो माइन किया ही किया और साथ में डायमंड्स को भी माइन कर लिया मैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रिप माइनिंग शुरू की वापस से। एंड स्ट्रिप माइनिंग में मेरे को और भी काफ़ी सारे डायमंड्स मिलते जा रहे थे तो मैं भी लेता जा रहा था। एंड यार कॉबल स्टोन, ब्लैक कॉबल स्टोन, ये सब कुछ भी चाहिए था जो ये भी ले रहा था। एंड यार रास्ते में मेरे को एक ये दिख चुकी थी जो कि अमेथिस्ट कुछ कहते हैं इसे, वो मिल चुकी थी। एंड ये मेरे को अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड काफ़ी सारे ब्लॉक्स इसके माइन करने के बाद मैं अपने घर पे चला गया एंड वहाँ पे गोल्ड को स्मेल्ट करके अपने पुराने डायमंड्स को लेके सारे के सारे डायमंड के आर्मर पर और टूल्स बनाकर मैं हो चुका था फुली डायमंड मैन में कन्वर्ट। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मैं बन चुका यहाँ पे डायमंड मैन। एंड यार उसके बाद मैंने अपना कैसल बनाना शुरू कर दिया था, आप यहाँ पे टाइम लैप्स देख ही सकते हैं। Thank you.
तो बहुत हो चुका टाइम लैप्स, अब आप अंदर से आपको टूर करा दे। ये है मेरी बैठने की जगह, आई नो अच्छी नहीं लग रही, बाद में अपडेट कर देंगे। ये है मेरा एक छोटा सा स्टोरेज रूम जो कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि आइटम फ्रेम थोड़े अजीब से लग रहे हैं, तो यार मेको भी लग रहे हैं, क्योंकि यार ये ग्लोइंग वाले लग रहे हैं, शायद से ये शेडर की वजह से है। एंड उसके बाद मैंने दोनों साइड सेम ही है, जिनमें मैंने कुछ भी अभी तक किया नहीं है। मैं आपको दूसरी साइड भी एक बार दिखा देता हूँ, मतलब ये पूरी की पूरी खाली है, कुछ भी नहीं किया। एंड इसके साइड में ऊपर जाने के टावर्स, मतलब वॉच टावर्स, जहाँ पे हम जाके अपना आजू बाजू सब देख सकते हैं, एंड वो दोनों भी सेम है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये भी एकदम सेम है। एंड ये इसके साथ ही एक और है जो कि दूसरा वाला, ये भी बिल्कुल सेम है। तो मैं फटाफट से आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि ऊपर से मेरा जो कैसल है वो कैसा लग रहा है। मतलब यार इसको बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। एंड उसके बाद यार आप ऊपर से देख ही पा रहे होंगे कि ये कैसे का लग रहा है। मैंने काफ़ी सारे एंडेसाइट, ग्रेनाइट और ये काफ़ी सारे स्टोन वगैरह भी यूज़ किए थे इसके लिए, जिसके लिए मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो यार ये ऊपर जाने के भी कुछ वॉच टावर्स हैं चार, जो कि मैंने साइड साइड में लगाए हैं, जिससे मैं अपने बाहर पूरी निगरानी रख पाऊँगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, एंड वीडियो कैसे की लगी कमेंट कर देना, एंड अगली बार के लिए आइडिया भी दे देना कमेंट सेक्शन में कि यार मैं क्या करूँ, मतलब क्या बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ नेदर पोर्टल बनाने का, एंड आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बता देना।